हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रासायनिक बलगत की यानी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक बलगत की होती क्या है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अगर चैप्टर शुरुआत किया जाए तो उस चैप्टर जो है उसके बारे में अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी है। तो रासायनिक बलगत की है क्या, देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी कि जो रसायन विज्ञान है उसकी वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके वेग और अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय की जानकारी प्राप्त होती है उसे रासायनिक बलगत की कहलाती है। यानी अगर आसान शब्द में समझें इसे तो देखिए क्या होता है, आसान शब्द में अभिक्रिया के वेग जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके वेग और कितना समय लगता है अभिक्रिया को पूर्ण होने में उसे ही रासायनिक बलगत की कहते हैं, बस, ठीक है। अब मान लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया एक हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, वैसे तो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है नहीं, बस ऐसे ही मान ले रहे हैं। मान लीजिए ए प्लस बी कोई अभिकारक है और अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, यानी ए प्लस बी कोई अभिकारक है यानी रिएक्टेंट्स है जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है और उसके बाद बन जा रहा है क्या, उत्पाद, यानी कि कोई उत्पाद यानी प्रोडक्ट बन जा रहा है सी प्लस डी, ठीक है। ए प्लस बी कोई अभिकारक है और उसके बाद C प्लस डी यानी कि उत्पाद बन जा रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए A प्लस बी लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अभिकारक किस क्यों क्यों कह रहे हैं, अभिकारक से अभिकारक होता क्या है, अभिकारक इसे अभिक्रिया क्यों कहते हैं और ये जो बन जाता है उसे उत्पाद क्या क्यों कहते हैं, उत्पाद क्या है। देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ये जो है A प्लस बी, मान लीजिए अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, जिसे रिएक्टेंट्स कहते हैं या अभिक्रियक भी कह सकते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं यानी ये अभिकारक हो गया, और जब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है यानी जब रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो क्या होता है, अभिकारकों की जो अभिकारक ये हैं इसकी सांद्रता क्या होती है, घटने लगती है। जिस मान लीजिए कोई चीज बन रहा है और जब वो बनता है तो जो उसका मेटेरियल होता है वो घटने लगता है लेकिन उत्पाद क्या होता है, बढ़ने लगता है। यानी उत्पादकों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ने लगती है और जो अभिकारक होते हैं उसकी सांद्रता घटने लगती है, ठीक है ना। वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो अभिकारकों की सांद्रता घटती है, ठीक है, क्योंकि उत्पाद में बनना शुरू हो जाता है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, चलिए ठीक है। अब आखिर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो देखिए वेग मतलब क्या होता है, वेग मतलब गति, तो वेग के आधार पर यानी गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। और तीनों कौन कौन सी हैं, देखिए पहली है तीव्र अभिक्रियाएं यानी फास्ट रिएक्शन, जो बहुत ही तीव्र गति से होती है, बहुत ही तेज गति से होती है, ठीक है ना, जिसमें बॉन्ड नहीं बनता है यानी विदलन भी नहीं होता है, बहुत ही ये तीव्र गति से होती है, जिससे आयनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना, बहुत ही तीव्र गति से होती है। दूसरे नंबर पर आती है मंद अभिक्रिया यानी कि स्लो रिएक्शन, जो क्या है, अति मंद अभिक्रिया से थोड़ा सा ज्यादा होती है, ठीक है ना, तीव्र अभिक्रिया से कम लेकिन अति मंद अभिक्रिया से ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें आबंध बनता है, ओके। अब बात आती है अति मंद अभिक्रिया की यानी वेरी स्लो रिएक्शन की, तो ये अभिक्रिया जो है बहुत ही धीमी गति से होती है, यानी एक एक अभिक्रिया होने में सालों लग जाते हैं। तो ये रही वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं, यही तीनों अभिक्रिया है, ठीक है ना। ऐसे ही रासायनिक बलगतिकी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं
उसको आप पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में जिसकी आने की संभावना ज्यादा रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन आखिर एग्जाम में आएगा जरूरी है और कौन कैसे, ठीक है ना। वैसे तो हम अपने इस चैनल पर ज्यादातर इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लाते हैं जिससे कि आपको कहीं भटकना ना पड़े और आप अपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल फ्री होता है, और सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को लाइक करने पर भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप क्या करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करना है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके, ठीक है। तो इसी के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम।